इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि HTML के द्वारा अपने वेब पेज में इमेज को कैसे इंसर्ट किया जाए, है ना, यूजिंग HTML, ठीक है ना। HTML का यूज करते हैं हम लोग। तो HTML के यूज के लिए हम लोग करते हैं क्या, सबसे पहले तो टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेते हैं, है ना। टेक्स्ट एडिटर के लिए जैसे अभी हम यहाँ पे नोटपैड ओपन कर रहे हैं। नोटपैड ओपन में आप यहाँ पे HTML का प्रोग्राम नोट करो, है ना, क्या लिखते हैं, एंगल ब्रैकेट में हम लोग यूज करते हैं HTML, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद देते हैं हेड, इसके बाद लिखते हैं हेड के अंदर टाइटल, ठीक है। टाइटल के में लिखते हैं इमेज प्रोग्राम, इमेज प्रोग्राम, ठीक है ना। टाइटल को क्लोज कर दो भाई। तो क्लोज कैसे करते हैं, स्लैश का यूज करते हैं, TITLE, टाइटल लिख दे दो। आगे हम यूज करते हैं क्या, बॉडी टैग को यूज कर लें। बॉडी टैग में लिखते हैं क्या, इमेज के लिए जो आपका टैग होता है वो यूज करो, जैसे IMG, इमेज का IMG लिखाएगा स्पेस, है ना, SRC, SRC इक्वल टू डबल कोट के अंदर लिखते हैं हम लोग क्या, जो इमेज आपको इंसर्ट करना है उस इमेज को। सपोज इमेज आपका जहां भी लोकेशन पर रखा है उसको हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं, है ना। ओपन करने के बाद हम उस इमेज पे जाते हैं, सपोज ये इमेज हमें इंसर्ट करना चाहते हैं, है ना, ये इमेज इंसर्ट करना है या फिर ये इमेज इंसर्ट करना है। चलो ये इमेज को इंसर्ट कर लें, देखते हैं। यहाँ पे जो भी इमेज को इंसर्ट करना, उस इमेज पे हम लोग क्या करते हैं, जाके राइट क्लिक करते हैं। ऐसा देखो इसका नाम जो है ना काफी टेढ़ा मेढ़ा है, इसको हम ऐसा कर रीनेम कर लेते हैं, ठीक है ना। रीनेम करने के लिए आपको पता होगा राइट क्लिक करके रीनेम पे जाते हैं, यहाँ पे के, है ना, ये यूज कर दिए। बाहर में जाके एंटर कहीं पे मार दो, आपका हो गया के नाम से आ गया वो। अब देखो भाई कहाँ गया वो, ये है आपका, ठीक है ना। इसके इमेज पे हम लोग क्या करें, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद इसका हम लोकेशन देखते हैं कहाँ आया भाई, ये लोकेशन आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। इस लोकेशन को क्या करो, कॉपी कर लेते हैं। लोकेशन को कॉपी किया कंट्रोल सी से, फिर आते हैं नोट पैड पे। नोट पैड पे आने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल वी से, पेस्ट कर लिए। जैसा स्लैश है वैसा ही स्लैश आप यहाँ पे यूज कर दोगे, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे क्या देना, नाम देना है। तो फिर से हम क्या करें, उस पेज को ओपन कर लेते हैं जो हम ओपन किए थे। इस बार जो नाम है यहाँ पे के, उसको कॉपी कर लेते हैं। कोशिश करोगे कॉपी करने का, नाम लिखने का नहीं। लिखने में होता क्या है, कभी स्मॉल कैपिटल का चक्कर ऐसा आया कि आप फंस सकते हो। कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो डॉट। अच्छा, फाइल फॉर्मेट हमारा किस में था, जिसमें रहेगा वही देंगे, ये याद रखोगे। अगर फाइल फॉर्मेट हमारा यहाँ पे JPG में है तो JPG ही देंगे, डॉट JPG। अगर PNG में होगा तो आप डॉट PNG देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट JPG, JPG दे दिए, ठीक है ना। आपका इमेज इंसर्ट हो गया। अब क्या करो, प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए क्या करो, सबसे पहले बॉडी टैग क्लोज होगा, है ना, क्योंकि लास्ट में वही हुआ है। बॉडी टैग को क्लोज किए, फिर आप उसके बाद हम लोग यूज करते हैं हेड टैग को ही क्लोज करो, क्योंकि टाइटल हम पहले पहले क्लोज कर चुके हैं। उसके बाद आप ये HTML को क्लोज करो, है ना, स्लैश HTML, ठीक है। इस तरह से हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, आपका ये बन गया पूरा। अब सेव करते हैं। सेव करने के लिए पता होगा आपको, फाइल मेन्यू में जाने के बाद सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे क्लिक करो, डेस्कटॉप पे है हमारा, यहाँ पे क्या लिखे, इमेज नाम से यूज करते हैं, IMAGE, इमेज वन अगर हम यहाँ पे कर दे, सॉरी यहाँ पे कुछ और पहले से लिखा हुआ था, IMAGE, है ना, इमेज वन नाम से दे देते हैं। डॉट HTML, HTML एक्सटेंशन जो है आपका, डॉट HTML से सेव करते हैं। यहाँ पे जाके आप सेव कर दो, बस हो गया। इसको मिनिमाइज करके चेक करते हैं कि हमारा इमेज आया या नहीं, ठीक है ना। देखो भाई इमेज के लिए कहाँ गया, डेस्कटॉप पे था हमारा IM, है ना, AGE इमेज नाम से, मेरा ये इमेज वन नाम से है, ये बना हुआ आइकन देखो यहाँ पे, इसको क्लिक करते हैं। क्लिक कर दो, ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं या फिर राइट क्लिक करके ओपन करो भाई, देखते हैं आ गया। ये हमारा इमेज जैसा था वैसा प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या, हमने प्रोग्राम सही डेवलप कर लिया, है ना। तो इस प्रोग्राम को सीखने के लिए थैंक यू।
अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको ये छोटा छोटा प्रोग्राम बना बना के हम लास्ट में एक